पूछा जाता है, कंटेंट, इंपल्स, फॉरेंसिक साइकेट्रिक, इंसैनिटी, कॉजेस, क्लासिफिकेशन, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, फोबिक न्यूरोसिस, नॉर्मल आईक्यू, इन दैट मोरॉन, इम्बेसाइल एंड इडियट। सो इंपल्स में क्लेप्टोमेनिया, डिजायर टू स्टेलिंग आर्टिकल्स ऑफ ए लिटिल वैल्यूज, मीन्स किसी भी थिंग्स को चुराना, देन पायरोमेनिया, डिजायर टू सेट फायर टू द थिंग्स, आग लगाना, देन म्यूटिलोमेनिया मीन्स डिजायर फॉर म्यूटिलेट थिंग्स, देन डिप्सोमेनिया, डिजायर फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ज्यादा एल्कोहल पीना, देन सेक्सुअल इंपल्स, सेक्सुअल इंपल्स में इंक्लूडिंग सेक्सुअल परवर्जन, देन सुसाइडल और होमिसाइडल। तो इंपल्स के अंदर सारे कंटेंट्स आते हैं। नेक्स्ट वन इज फोबिया। सो फोबिया मॉर्बिड, देन इरिटेशन, फियर ऑफ ए सिचुएशन और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। देन वट इज अ साइकेट्री? साइकेट्री डील्स विद स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस, राइट? इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो डील करती है स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस। वट इज अ फोरेंसिक साइकेट्रिक? डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ द साइकेट्रिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, राइट? देन एफेसिया, लॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेस और अंडरस्टैंड। डिलीरियम, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिमिनल एक्ट्स, राइट? तो पर्टिकुलरली इन डिलीरियम कंडीशंस ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिमिनल एक्ट्स। देन एफएसए क्या होता है? लॉस ऑफ द एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेस और अंडरस्टैंड। देन डिल्यूजन, तो फॉल्स बिलीफ, राइट? देन हेलोसिनेशन, तो व्हाट इज नोन एज हेलोसिनेशन? तो फॉल्स परसेप्शन। देन इल्यूजन, फॉल्स इंटरप्रिटेशन। देन ल्यूसिड इंटरवल, नॉट क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल, राइट? पर्टिकुलरली इन ल्यूसिड इंटरवल जो भी क्राइम होता है वो उसके नॉट क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल, राइट? देन साइकोसिस, तो लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ द फैंटेसी, विड्रॉ फ्रॉम द रियलिटी। न्यूरोसिस, इमोशन, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, नॉट लॉस टच विथ रियलिटी, राइट? देन न्यूरेस्थेनिया, सो नर्व एग्जॉशन ड्यू टू द फिजिकल और मेंटल कंडीशंस, राइट? नाउ causes of the insanity, so hereditary, it can be environmental factor, psychogenic, then precipitating or organic disease. Then classification of insanity, WHO World Health Organization 1965, तो उसके अंदर psychosis, neurosis, personality disorders, sexual deviation, then drug dependence. तो psychosis divide हुआ two parts में, organic psychosis and functional psychosis. Functional psychosis में schizophrenia and affecting types. Then neurosis में anxiety, hysteria, phobic, obsessive compulsion, then depressive, depersonalization syndromes, then hypochondrical unspecified neurosis, right? तो neurosis के factors होते हैं। Then Mental Health Act 1987. So इसके अंदर section 84 mention किया, section 84 Indian Penal Code, nothing is an offense which is done by a person who at the time of the doing it by reason of अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जब भी आपका माइंड अनसाउंडनेस होता है उस पर्टिकुलर टाइम में कोई भी क्राइम किया हुआ है तो वो उसके लिए वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं होगा, राइट? इज कैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी ऑफ द लॉ, राइट? देन सोमनेम्बोलिज्म क्या होता है? क्रिमिनली नॉट रिस्पॉन्सिबल, पर्टिकुलर सोमनेम्बोलिज्म क्रिमिनली नॉट रिस्पॉन्सिबल। देन सोमनेलेंसिया, ये भी पर्टिकुलर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम। इंपल्स, तो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम, राइट? देन ड्रंकनेस, तो ड्रंकनेस सेक्शन 85 आईपीसी एक्ट में आता है। एन एक्ट डन बाय अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट ड्यू टू द इंटॉक्सिकेशन इज नॉट एन ऑफेंस इफ द थिंग्स विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नोइंग एंड अगेंस्ट हिज विल। अगर किसी बंदे को आप अल्कोहल ड्रिंक या कोई भी ड्रग आप उसे इंजेक्ट करते हो विदाउट उसके नोइंग के, विदाउट उसके विल के, तो ये उसके वो क्राइम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसे ड्रंकनेस में अंडर सेक्शन 85 में आता है इंडियन पिनल कोड। देन फोबिक न्यूरोसिस, तो उसके अंदर वर्ड्स आते हैं एग्रोफोबिया, फियर ऑफ द ओपन स्पेस। देन क्लस्ट्रोफोबिया, क्लोज्ड स्पेस। देन नेक्रोफोबिया, डेड बॉडीज, फियर ऑफ द डेड बॉडीज। देन नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ द डार्क। देन थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ द डेथ। टॉक्सिफोबिया, बीइंग पॉइजन्ड। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ द वाटर। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ द हाइट। देन सोशियोफोबिया, फियर ऑफ द पब्लिक परफॉर्मेंस। देन एल्गोफोबिया, फियर ऑफ द पेन, राइट? देन लास्ट इज अ नॉर्मल आई क्यू। सो वट इज अ फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल आई क्यू? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, राइट? तो एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। सो वट इज नॉर्मल आई क्यू? नॉर्मल आई क्यू मोर देन 90
मेंटल रिटार्डेशन इज लेस देन 70। अगर हम आईक्यू का रेशियो देखें तो लेस देन 7 मेंटल रिटार्डेशन। व्हाट इज अ मोरॉन? तो मोरॉन मींस आईक्यू लेवल इन बिटवीन 50 to 70, माइल्ड रिटार्डेशन, और हियर फीबल माइंडेड, मेंटल एज 6 to 11 ईयर्स। देन इम्बेसाइल आईक्यू 20 इन बिटवीन 20 to 50, मॉडरेट रिटार्डेशन, मेंटली 3 to 7 ईयर्स। देन इडियट, व्हाट इज इडियट? आईक्यू लेवल इज 0 to 20, परफॉर्म रिटार्डेशन, मेंटल एज डज नॉट एक्सिस्ट देन ऑफ द नॉर्मल एज ऑफ द 3 ईयर्स, राइट? तो इन नॉर्मल आईक्यू मॉरल इम्बेसिल और इडियट्स। वंस अगेन हम इसे रिवाइज करेंगे। फॉरेंसिक साइकेट्रिक में इम्पल्स, फॉरेंसिक साइकेट्री, इंसेनिटी, कॉजेज क्लासिफिकेशन, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, फोबिक न्यूरोसिस एंड नॉर्मल आईक्यू, मोरॉन, इम्बेसाइल और इडियट। थैंक यू।